हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं मेडिकल टर्म, तो इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, इसका क्या इलाज है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, कौन सी हर्बल चीज़ें आप ले सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर ये होता है कि जब हमारा खून हमारी खून की नालियों में बहता है तो खून की नालियों की दीवार पर एक प्रेशर आता है। उसी प्रेशर को हम जब मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये जो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी हार्ट जब इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। हार्ट जब इस तरह से रिलैक्स करता है तो इसको डायस्टोल कहते हैं। तो इसको ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसको 120 mm ऑफ मर्क्यूरी यानी होना चाहिए 120, और डायस्टोलिक ये 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो 120 बटा 80, 120/80 ये नॉर्मल होता है। अगर इसे ज्यादा हो जाए तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। तो ज्यादातर हाइपरटेंशन की जो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जिसकी कोई वजह 80% लोगों में तो नहीं पाई गई और 20% में पाई जाती है। तो लेकिन ये देखा गया है कि मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, या जिनका डायबिटीज है जिनको हो उनमें भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और उसके साथ साथ जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल फैट लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ होता है उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो और उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इंसान को सर में दर्द होने लगता है और सीने में दर्द होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, कभी कभी नाक से खून भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर की निशानियां हैं। आंखों से कम दिखने लगता है क्योंकि हमारी खून की नालियां जो आंखों की होती हैं बारीक बारीक, उसमें जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फट सकती हैं, देखने में मुश्किल हो सकती है, तो धुंधला दिखाई दे सकता है। तो ये सारी ब्लड प्रेशर बढ़ने की निशानियां हैं। तो उसके साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी खराब हो सकती है और हार्ट अटैक आ सकता है, लकवा यानी स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना किसी भी ऑर्गन के लिए हमारे सही नहीं होता है क्योंकि किडनी भी फेल हो जाती है इसकी वजह से, और बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हैं। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है ये मैं आप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमको ये है कि हमको अपना वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटे हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, हेल्थी कीटो डाइट लीजिए जिसकी मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसकी मैं लिंक दे दूंगी साथ में। और उसके साथ साथ आपको जो है अल्कोहल यानी शराब बंद करना है क्योंकि शराब पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्मोकिंग करने से यानी सिगरेट पीने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सिगरेट तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, चाहे उससे लंग का कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक का खतरा होता है, लकवे का खतरा होता है। तो आपको शराब बंद करना है, साथ साथ सिगरेट स्मोकिंग भी बंद करना है, वेट कम करना है और नमक कम खाना है। नमक जितना आप कम खाएंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, अपना वजन कम करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेंशन और स्ट्रेस लेने से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमेशा टेंशन से अपने आप को बचाइए, स्ट्रेस ना लीजिए, खुश रहिए और कॉमेडी वीडियोस देखा करिए ताकि आपकी दिल की हेल्थ अच्छी हो। तो इंडिया के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल की बीमारी के एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि खुश रहने से, कॉमेडी वीडियोस देखने से, लाफिंग क्लब यानी जहाँ पर लोग जमा होकर हंसते हैं ऐसी जगहों को क्लब को ज्वाइन करने से भी हेल्थ अच्छी रहती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है और दिल की बीमारियां होने का खतरा कम होता है। अब आपको खाने पीने के बारे में ये है कि क्या आप खा सकते हैं। रिसर्च से स्टडीज से ये पता चला है कि अगर आप रोज एक नींबू का रस पीते हैं, एक गिलास पानी में पूरा एक नींबू निचोड़ कर रोज खाली पेट पी लिया करिए, या दिन में जब भी आपको मौका मिले पी लिया करिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अनार खाइए रोज, पोमेग्रेनेट सीड्स, उससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है। और फ्लैक्स सीड जिसको अलसी के बीज कहते हैं, ये स्टडीज हुई है कि इसको खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है और साथ ही साथ हमारी आर्टरीज खून की नालियों में जो फैट जमा हो जाता है वो भी साफ होता है। तो रोज 2-3 चमचे अगर आप फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज खाते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। इसके अलावा रोज अगर आप 100 से 150
यानी 100 से 150 ग्राम तक अगर आप तरबूज खाते हैं यानी वाटरमेलन, तो भी उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लेकिन तरबूज डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सही नहीं होता, क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो है थाइम नाम का एक हर्ब आता है, वो खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है। और बेसल लीव्स यानी तुलसी के पत्ते खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। इसके अलावा जो है अगर रोज आप 3-4 कलियां लहसुन की खाते हैं, लहसुन यानी गार्लिक की, तो इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ये रिसर्च स्टडीज में पता चला है। तो और इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहता है। तो लहसुन को डेली खाना बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट जो आता है अमूल वगैरह का, वो खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो डार्क चॉकलेट भी आप, और इसके अलावा हरी सब्जियां जैसे कि पालक है, मेथी की भाजी है और केले हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीटरूट यानी चुकंदर, इसको खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर आप मोटे हैं या आपको डायबिटीज़ हैं तो इसकी कम मात्रा में खाइए, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा डार्क चॉकलेट भी बीपी कम करने में हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा जो है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के 2 से 3 चम्मच अगर आप डेली खाते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा आपको कैंसर होने का खतरा कम हो जाएगा। आपके अंदर अगर जॉइंट पेन है या कहीं बॉडी में दर्द है या इन्फ्लेमेशन है तो भी उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल रोज 2 से 3 चम्मच खाने से। इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी और आपको कैंसर का खतरा कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, शुगर कम होगा, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो होता है ये हमारे पेनक्रियाज को हेल्थी रखता है, बीटा सेल्स को, जहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो और दिमाग को सेहतमंद रखने में भी ऑलिव ऑयल बहुत हेल्पफुल होता है। तो रोज़ 2 से 3 चम्मच आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल कहते हैं उसके लेना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसके अलावा जो है अजवाइन अगर आप लेते हैं तो अजवाइन का 1/2 चम्मच तक, तो वो उससे भी पता चला है रिसर्च से कि इससे भी ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहेगा। तो अजवाइन और अजवाइन के सैलरी के दाने भी आते हैं और थाइम लेना है और सैलरी लेना है। तो और इसके अलावा जो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा आपको विटामिन ई का एक्टिव फॉर्म एक टैबलेट आता है जिसको कहते हैं टोकोट्रेनॉल। तो टोकोट्रेनॉल जो होता है ये विटामिन ई का एक्टिव फॉर्म होता है। रोज़ आप इसकी एक टैबलेट ले खाइए, इससे बीपी कंट्रोल होता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। और आप अगर कोई दूसरी दवाएं भी खा रहे हैं तो उसके साथ भी ये ले सकते हैं। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो रोज़ एक लेना ज़रूरी है इसको अगर आप बीपी अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है हिबिस्कस टी आती है, तो हिबिस्कस टी आप जो है अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। आप 2 से 3 कप इसकी डेली पियेंगे तो इस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग पेपरमिंट जो टी आती है वो भी आप 2 से 3 कप पियेंगे तो इस ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।